ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 19 मई 2022 की। आज बाबा ने कहा कि दुनिया में हर एक मनुष्य मात्र, हर एक धर्म की आत्माएं भगवान को याद करती हैं, तो भगवान को याद करना माना उनकी मत का सिमरण करना, क्योंकि इस समय मनुष्य आत्माओं को भगवान की श्रीमत की दरकार है, क्योंकि श्रीमत के आधार से ही बाबा कौड़ी जैसे भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, सबकी गति सदगति करते हैं, इसलिए बाबा की श्रीमत नामी ग्रामी है। फिर कहा कि बाबा जब आते हैं तो बाबा याद के द्वारा बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे माया रावण पर विजय पा लेते हैं। और कहा बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, अर्थात पढ़ाई का अभी थोड़ा सा संगम युग का समय है, फिर तो पढ़ाई के द्वारा प्राप्ति का समय हो जाएगा, पढ़ाई का समय समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने पूरे सृष्टि चक्र की स्मृति दिलाते हुए स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए कहा कि हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर हमें शिव बाबा ने कब अपना बनाया, कैसे ब्रह्मा द्वारा हमें ब्राह्मण वर्ण में लाया। फिर बाबा सावधान करते हुए आथत देते हुए कहा कि माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेंगी, उससे डरना नहीं है, बाकी योग में रहना, बुद्धि योग एक बाबा से जुड़ा रहे, इसमें मेहनत है। और कहा बुद्धि योग और जगह भटकाने से तो अच्छा है एक शिव बाबा की याद में रहे। और लास्ट में अनुभूति की बड़ी अच्छी बात बताई कि जब भोजन पर बैठते हो तो शिव बाबा को याद करो, मोस्ट बिलवेड बाबा हैं, ऐसा महसूस हो जैसे हम बाबा के साथ भोजन करते हैं, बाबा हमारे सन्मुख बैठे हैं, इस याद से बहुत ताकत आ जाएंगी। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है, श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी गति सदगति होगी। आज मुरली में प्रश्न है, सर्वशक्तिमान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है, तो बाबा ने उत्तर में कहा रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम शिव बाबा की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं यह होली हंसों की सभा है, यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं, पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण कहेंगे, जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के, एक पांव उस पार जाने वाली नाव में, एक पांव इस पार वाली नाव में होगा तो चीर जाएंगे, इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे, अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे, यह कौन समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह ईश्वरीय नियम कौन समझाते हैं, शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है, शिव बाबा ही झोली भरने वाला है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा, शिव के कितने अथाह मंदिर हैं, वह भी है निराकार, विश्व का रचयिता, विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना, माया से बुद्धि पार जाती है, माया का नाम भारत में मशहूर है, इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है, इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु मरता नहीं, राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते, सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिल सकती है, वह तो है एक परम पिता परमात्मा, उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल, यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया, आत्मा ऑर्गन्स के बिना तो कर्म कर नहीं सकती, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, भारत है ऊंचे ते ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है, नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं, उनकी मत सिमरते हैं। बाबा कहते हैं भगवान को याद करना माना उनकी मत को, उनकी श्रीमत को सिमरना, जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है, मनुष्य समझते नहीं,
बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ कि वह गीता किस नेशन को किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं, तब तो भगत लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है, भगवान कब मिलता है, पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, यह कोई नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। यह है रचयिता, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों की चोटी भी है क्योंकि साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है, वह परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। यह अक्षर पक्का याद कर लो, ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पतित से पावन बनाई, सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ, बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम शिव बाबा ने स्थापन की, राम से भी शिव बाबा अक्षर मीठा है, शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वह आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है, जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नर्क जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवान वाच, शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते हैं, शंकराचार्य का है हद का संन्यास, बेहद का बाप कहते हैं। पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में ले चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सतयुग को कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है, दोनों इकट्ठे हो न सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया, बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथा सुख देने। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है, अर्थात जितना पढ़ना है वह अभी ही पढ़ सकते हैं, फिर तो पढ़ाई के अनुसार राजाई प्राप्त होगी। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं, वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धी बनाएंगे, परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया, यह तो शिव बाबा का ही काम है, वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया, यह हर एक से लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है, अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनना है, तुम्हें निराकार परम पिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है शूद्र से ब्राह्मण में। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया, यह बाबा भी लिखेंगे, यह ब्रह्मा बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं, सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भगत व शिव की रचना देवी देवताओं के भगत होंगे उनको सुनाते हैं, वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे जिन्हों के चित्र भी हैं, इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवी वर्ण वाले बन रहे हो, भारतवासी ही आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं, सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ,
अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने, तो फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम मुख वंशावली नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। अच्छा, आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है, बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहाँ फिर देवताओं और ब्राह्मणों का मेला लगता है। बाबा कहते हैं फिर सूक्ष्म वतन में जब भोग लेकर के जाते हैं तो वहाँ ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। इन बातों में मूंझना नहीं है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ, मुझ एक को याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है, ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंच है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो, मोस्ट बिलवेड बाप हैं, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। अर्थात खाना बनाते हुए, भोजन करते हुए याद की ऐसी पक्की अवस्था बन जाए और ऐसा अनुभव हो जैसे बाबा हमारे साथ हैं, जैसे बाबा हमारे साथ बैठ भोजन कर रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आ जाएंगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेंगी, उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आए हैं, बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल न सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है, एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थ का बंधन, ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता हैं। आज का स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। अभी मातेश्वरी मम्मा के अनमोल महावाक्य है। मम्मा कहे बदनसीबी और खुश नसीबी, अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है, तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं,
तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार हैं। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही हैं। फिर जैसा पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो मनुष्य अपने को सुखी करने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं। फिर उस ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आई गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि की स्थापना कराई सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। दूसरी क्लास है, मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आई इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को यह पता नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य के अंदर यह चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन अथवा विधवा न बने। तो चाहना तो सुख की ही रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश पूर्ण करेंगे। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती तो वो आश सतयुग में पूरी होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, परंतु वह परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतु कराते हैं, तब ही हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे। अच्छा, ओम शांति।